नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस विषय लेकर पुनः एक बार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि मेरी प्रस्तुति का यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आपके जितने भी हिंदी माध्यम के ग्रुप है, मित्र वगैरह है, उनके अंतर्गत इसको शेयर करना ना भूलें। विषय और लेशन की शुरुआत करूं उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार आपके सामने मौजूद है कि कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी हो ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। मतलब किसी चीज़ का लंबे समय तक इंतज़ार करना हमारे लिए नुकसानजनक हो सकता है, इसलिए लेट या तो जल्दी से हमें किसी न किसी की शुरुआत कर देनी चाहिए। इसी सुंदर से विचार के साथ आइए मिलकर एक मिनट की प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के साथ आइए लेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि लेशन पहला हमारा चल रहा है जिसका नाम है भारत की विरासत। उस विरासत के अंतर्गत का ये अंतिम वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले लेशन के अंतर्गत का यह प्रथम वीडियो और आपके अंतर्गत जो मैं भेज रहा हूँ ये अंतिम वीडियो है, उसके अंतर्गत जो लेशन में अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँ कि भाई संस्कृति का अर्थ हमने दो अंकों के अंतर्गत पढ़ा था, उसके साथ विरासत के निर्माण में किन किन लोगों ने योगदान दिया उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसी के संदर्भ में हमने विरासत के प्रकार जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत है उसके बारे में भी पढ़ा था। उसी क्रम के अंतर्गत गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के जो स्थान के नाम है उसकी जानकारी भी हम लोगों ने ली थी। भारत की सांस्कृतिक विरासत के जो अवशेष है वो अवशेषों के अंतर्गत कौन कौन से अवशेष आते हैं उनकी जानकारी भी हमने ली थी। उसी क्रम के अंतर्गत गुजरात के जो प्रसिद्ध मेले हैं उन मेलों के शहरों के नाम भी हम लोगों ने मेलों के नाम के साथ साथ देखे थे।
उसी गुजरात के प्रसिद्ध मेले और शहर के साथ साथ भारत भूमि पर आने वाले जो विभिन्न लोग हैं उन लोगों के नाम भी हम लोगों ने देखे थे। उसी क्रम के अंतर्गत भारत की भूमि पर जो अलग अलग लोग आए उन लोगों में खासकर नेग्रिटो, निषाद, द्रविड़ और मोगोलॉइड ये चारों प्रजाओं का परिचय भी हमने अगले वीडियो के अंतर्गत देख लिया था। अब हम नए जो मुद्दे के साथ पांचवा पेज नंबर 6 पर जाइएगा, आर्य प्रजा का परिचय यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ये भी 3 अंकों का मुद्दा है, बड़ा सवाल बन सकता है 3 अंकों के अंतर्गत। उसमें आप लोगों को सबसे पहले आर्य प्रजा को नॉर्डिक प्रजा के नाम से जाना जाता, मतलब एक अंक में MCQ के तौर पर पूछे थे कौन सी प्रजा को नॉर्डिक प्रजा कहा जाता है, तो उसमें आपका उत्तर रहेगा आर्य प्रजा। आर्य प्रजा भारत की सभ्यता और संस्कृति की निर्माता प्रजा कहा जाता है, मतलब भारत में जितनी भी अलग अलग प्रजाएं आई उसमें सभ्य और संस्कृति वाली यदि कोई प्रजा थी तो वो थी आर्य। प्राचीन काल में जितनी भी हिंदू प्रजाएं थी वो सभी प्रजा को आर्य प्रजा के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट कहना हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदू का दूसरा नाम आर्य था। आर्य प्रजा वायव्य भारत मिथिला बोले तो बिहार पहले का समय का मिथिला आज के समय में बिहार के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में विंध्याचल, मतलब वायव्य भारत मिथिला पूरा बिहार प्रदेश, दक्षिण भारत का विंध्याचल, ये सब प्रदेश आर्यों के प्रदेश माने जाते थे। उसके अंतर्गत प्राचीन भारत में आने वाली सभी प्रजा जितनी भी प्रजाएँ थी वो सभी प्रजा में यदि कोई विकसित प्रजा थी समझदार जानकारी वाली ज्ञान वाली तो आर्य प्रजा। ये मैं हिंदू हूँ इसलिए आर्यों की प्रशंसा कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, बट आप लोगों की किताब के अंतर्गत भी इनकी जानकारी दी है कि आर्य प्रजा भारत की सबसे अधिक विकसित प्रजा मानी जाती थी। आर्य भरत राजा भरत जाति के नाम से पूरे देश को भारत भूमि, भारत खंड या भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट हम लोग भरत राजा की संतान के तौर पर भारत का नाम भारत पड़ा, कोई लोग उसको भारत खंड, कोई लोग उसको भारत वर्ष के नाम से, मतलब आर्यों के नाम के प्रजा के ऊपर से या तो प्रजा के राजा के ऊपर से भारत का नाम भारतखंड पड़ा है। आर्य प्रजा प्रकृति प्रेमी प्रजा मानी जाती है। अब प्रकृति में आप लोगों को भी मालूम है कि ये लोग वृक्ष है, पर्वत है, नदी है, सूर्य है, पवन वायु बोले तो वर्षा बारिश इत्यादि सबकी पूजा करते हैं, मतलब आर्य प्रजा पहले से ही प्रकृति की पूजा करती आई है और आज भी वो प्रकृति की पूजा करती हुई दिखाई देती, उसमें खासकर वृक्ष पर्वत नदी सूर्य वायु वर्षा वगैरह की पूजा ये लोग करते हैं। भारत में वेद पाठ और यज्ञ करने की जो परंपरा है, मतलब जो आज होम हवन यज्ञ जो हम सब ये देख रहे उनकी शुरुआत भारत में आर्यों के द्वारा की गई थी ऐसा माना जाता है। इस प्रकार आर्य को भारत भूमि की मूल प्रजा, ध्यान दीजिएगा हमने इससे पहले जो नेग्रिटो ऑस्ट्रेलाइड द्रविड़ मोगोलॉइड अल्पाइन डिनारिक आर्मेनॉइड इन प्रजाओं के बारे में जो जानकारी ली वो केवल भारत में आने वाली प्रजाएँ थी, पर आर्य प्रजा भारत की मूल प्रजाति की प्रजा है, वो भारत में आई नहीं है, वो भारत की मूल प्रजा के रूप में माना जाता है। उसके बाद का जो टॉपिक है पेज नंबर 6 पर भारतीयकरण, अब ये 2 अंकों में कई बार पूछा गया है तो 2-3 मुद्दे बनते हैं कि भारतीयकरण कहते किसको है। तो विदेश से आने वाली विभिन्न प्रजाएं जब भारत के धर्म परंपरा रिवाज लग्न जीवन वगैरह से जुड़कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठते हैं और भारत में मिल जाते हैं तो उसको भारतीयकरण कहा जाता है। पुनः एक बार
विदेश से आने वाले विभिन्न प्रजाएं जब भारत के धर्म, परंपरा, रिवाज, लग्न, जीवन वगैरह से जुड़कर अपना अस्तित्व खो बैठते हैं तो उसको भारतीयकरण कहा जाता है। दूसरा मुद्दा, द्रविड़ प्रजा का आर्यों के साथ और आर्य प्रजा का द्रविड़ प्रजा के साथ विवाह करना, ये भारतीयकरण का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तीसरा मुद्दा, आप लोगों को मन से बनाना हो तो आप ऐसा भी बना सकते हैं कि भारतीयकरण के कारण ही भारत में विभिन्नता में एकता पाई जाती है। ये मुद्दे को भी आप लोग वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि भारतीयकरण ही विविधता में एकता का मुख्य कारण माना जाता है। अंतिम आप लोगों का जो टॉपिक है 6 नंबर पेज पर कि विरासत की देखभाल और सुरक्षा के कदम, मतलब एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं विरासत की सुरक्षा के लिए, तो ये मुद्दा मैं बताऊँ और आप लोग लिखो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मुद्दा मन से भी लिख सकते हैं कि विरासत की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई कोई सांस्कृतिक स्थानों पर जावे तो वहाँ पर कचरा नहीं फेंके, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचावे, प्राणियों का शिकार नहीं करे, प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखे, प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा करे, जो कानून बने वो कानून का पालन करे और संविधान की सुरक्षा करे। ये सब मुद्दे आप लोग मतलब अपने मन से भी इसके अंतर्गत लिख सकते हो। फिर भी मैंने कुछ मुद्दे बनाने का प्रयत्न किया है कि विरासत की सुरक्षा के कदम, उसमें पहला कदम है विरासत की सुरक्षा के लिए हम 51 क, ये 51 क जो है वो हमारे भारत के संविधान की कलम है, उसका हम क्या करेंगे, पालन करना चाहिए। नंबर 2, हमारी सामाजिक संस्कृति के समृद्ध विरासत का महत्व खुद भी समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए, अर्थात मानो कि हमारी संस्कृति को कोई दूसरा व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है तो उस व्यक्ति को रोकने का प्रयत्न करना भी एक सुरक्षा का कदम माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नदी है, वन है, वन्य जीव है, उनकी सुरक्षा करें, प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। मतलब हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, प्राणियों को देखते लकड़ी उठाकर मारते, नहीं, प्रकृति की सुरक्षा करना भी एक प्रकार का हमारा नागरिक होने का कर्तव्य है, अर्थात वन हो, नदी हो, वन्य जीव हो, तो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना भी विरासत की सुरक्षा का कदम माना जाता है। और सार्वजनिक संपत्ति, फिर वो मंदिर हो तो भी भले, ट्रेन हो तो भी भले, नदी का पानी हो तो भी भले, और जंगल हो तो भी भले, और हमारे आसपास की सरकारी स्कूलें हो तो भी भले, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे और हिंसा को दूर करेंगे। मतलब जब भी हम लोग ज़्यादातर आंदोलन करते हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पंजाब और राजस्थान में गुर्जर लोगों का आंदोलन चालू है तो ज़्यादातर पटरियाँ उखेड़ देता है। गुजरात के अंतर्गत भी मतलब जो आंदोलन हुए थे उसमें स्ट्रीट लाइट, रोड, रास्ते, बस जला देना, ये गलत है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को दूर करना ये विरासत की सुरक्षा का सर्वश्रेष्ठ कदम माना जाता है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य माना जाता है। अब ये लेसन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है पहला, तो उसके अंतर्गत आप लोगों को मैं थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ। 4 सवाल आप लोगों को गृह कार्य के अंतर्गत देता हूँ जिसको आपको व्यवस्थित आगे में मुद्दे मिल जाएंगे। 1, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के बीच का अंतर 3 अंकों के लिए लिखना है, कम से कम 4-5 मुद्दे आप लोगों को लिखने रहेंगे। नंबर 2, भारत में आने वाली कोई भी 3 मनपसंद प्रजाओं का परिचय, आपको जो अच्छी लगे वो। नंबर 3, सांस्कृतिक विरासत पर टिप्पणी, और नंबर 4, गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल, पुनः एक बार गृह कार्य, प्राकृतिक सांस्कृतिक के बीच का अंतर, भारत में आने वाली कोई भी 3 प्रजा का परिचय, सांस्कृतिक विरासत पर संपूर्ण टिप्पणी और गुजरात की सांस्कृतिक विरासत, उनके बारे में भी आप लोगों को नामोल्लेख करना रहेगा। आप लोगों ने अंत तक मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पुनः एक बार पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। वीडियो से रिलेटेड यदि कोई भी प्रकार की इंक्वायरी है, कोई पूछताछ है, कोई उलझन है तो वीडियो या तो विषय की जानकारी आपको चाहिए तो 9825-81539 हर्षद जानी
के ऊपर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।